बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट के ऊपर बात की जाएगी, फुटबॉल के ऊपर भी बात की जाएगी। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया T20, तीसरा T20 मैच की बात कर लेते हैं। कमाल का मैच हुआ, जरूर तो गए वार्ड की सेंचुरी, द ग्लेन मैक्सवेल की सेंचुरी। अगर इंडिया की बात कर ले तो 222 स्कोर किया 3 विकेटों के नुकसान पे। टूटू गायक वार्ड ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, 23 स्कोर की। सूर्य कुमार यादव ने 39 स्कोर की इनिंग्स खेली, 31 स्कोर की। तिलक वर्मा ने इनिंग्स खेली, बहुत ज़बरदस्त टारगेट दिया है ना। कि यंग बॉयज हैं, यंग लड़के खेल रहे हैं इंडिया के, लेकिन देखिए उसे कितना पैशनेट है, कितना डोमिनेट, कितना खेल रहे हैं कि 200+ कर रहे हैं T20 के अंदर भी। उधर ऑस्ट्रेलिया आती है, मैच आखिरी गेंद पे फिनिश कर देती है। कमाल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बेहतरीन बारी ग्लेन मैक्सवेल ने खेली। तेवर ने 35 स्कोर बनाया, मैथ्यू वेड ने 28। ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लें, वो नहीं छोड़ता ऑस्ट्रेलिया को। मुझे लगता है तेवर की तरह लड़ गया आज इन्हें। तेवर वर्ल्ड कप के फाइनल में लड़ गया था ना, आज इन्हें यहाँ लड़ गया है। 4 गेंदों पे, आखिरी 4 गेंदों पे छक्का चौका 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 मार के स्कोर ही पूरा कर दिया यार। कमाल बात, कमाल 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 कर दिया लड़के तूने, कमाल कर दिया। मजा आ गया मैच देखने का। सूर्य कुमार यादव देख रहे हैं T20 में कैसा खेलता है, वो वनडे में देख लें कैसा खेलता है। यहाँ T20 में छाया हुआ सूर्य कुमार यादव, लेकिन दोनों टीमों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दोनों के यंग लड़के खेल रहे हैं, सिर्फ ट्रेविस हेड ना खेल रहा है, ग्लेन मैक्सवेल खेल रहा है, और मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की साइड फिर भी कुछ लड़के खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के अंदर थे, कुछ लड़के इस साइड के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन इंडिया की टोटल साइड नहीं खेल रही है, सिर्फ सूर्य कुमार यादव के अलावा। लेकिन इंडिया की कमाल यार, कमाल जो भी है, 2 ACC सीरीज जीत रही है, आखिरी मैच ये तीसरा T20 मैच हार गए, 222 स्कोर करके भी हार गए। लेकिन यंग बॉयज बहुत डोमिनेट करके खेल रहे हैं, पैशनेट होकर खेल रहे हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आज हम पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, माशाल्लाह से हफीज ने कमाल बात कर दी भाई, कि भाई जान पहले डोमेस्टिक, पहले नेशनल पॉलिसी, नेशनल टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाद में लीग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। हारिस ऑफ साहब ने जो मेलबर्न स्टार से एग्रीमेंट साइन कर तो लिया, अब वो तड़प रहे हैं कि मैं नेशनल स्टार मेलबर्न स्टार की तरफ खेलने जाऊँगा, NOC PCB इशू करे। भाई जान को क्यों इशू करें भाई, टीम बोले तो अवेलेबल नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गैप लेना चाहता हूँ, तो फिर तू मेलबर्न स्टार तुमने किस बात पे एग्रीमेंट कर लिया भाई, बिग बैश लीग के लिए तड़प रहा। लेकिन हफीज ने कहा पहले आप मलेशिया T20 कप खेलें जो 10 दिसंबर तक चल रहा है कराची, कराची के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे आपको हमने NOC इशू करना है नहीं करना। लेकिन जो मुझे लगता है इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेसी वाली बात भी, क्योंकि हमारे साथ ने एग्रीमेंट तो कर लिया है, छलांगे मार रहे हैं, तड़प रहे हैं, यानी कि इन्हें मुल्क ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे मुल्क दो ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें वहाँ पैसा चाहिए। क्या इन्हें हमारा मुल्क पैसा नहीं देता फ्री मैच खेलने का? क्या ये सेंटर कोटाएंगे मंथली इन्हें पैसा नहीं मिलता? मिलता है क्यों भाई? इट मीन्स इनके लिए मुल्क की मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, जीरो जीरो मोहब्बत है इन्हें मुल्क से, सिर्फ इन्हें मोहब्बत है पैसे से, लीग से मोहब्बत है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को अपना नाम ही निकलवा दिया स्क्वाड के अंदर। भाई मैं नहीं भाई, मैं नहीं जाता भाई ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, मैं बिग बैश लीग खेलूंगा, मैं यहाँ खेलने जाऊंगा वर्ष लेवल। हफीज ने एक और बात की है बड़ी प्यारी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि इमार वसीम से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था भाई तू कीन है, तू इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तू स्क्वाड के अंदर शामिल, तू नेशनल T20 कप खेले। हफीज ने कहा तुझे हम न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी हमने तुझे रखना है, खिलाना चाहते, लेकिन उसने रेस्ट करना चाह रही कि 2-3 बार उस भाईजान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी। अभी कहता है यार पहले वो इस तरह कह रहा था कि भाई मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं दौरे न्यूजीलैंड नहीं खेलना चाहता, उसे 2-3 बार रिटायरमेंट ऐलान कर देता है। उसे तो मोहम्मद आमिर के भी दरवाजा खोल दिया कि भाई आओ रिटायरमेंट वापिस लो, डोमेस्टिक खेलो और आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कम बैक करो, आपको टीम में दिया जाएगा मौका। एक अच्छी बात की मोहम्मद हफीज ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोहम्मद हफीज साहब के माँ जो नए डायरेक्टर साहब बने हैं, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही, आज हमारी टीम के अंदर 2 नए टीम मैनेजमेंट के अंदर बंदे शामिल हो गए हैं। एडम हॉलीहॉक जो इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, बेन हॉलीहॉक के भाई जिनकी डेथ हो गई थी, तो एडम हॉलीहॉक हैं जी, और उधर से ग्रांट स्मार्ट ग्रांट ऐसे नाम है उसका, तो वो भी
स्क्वाड के यानी टीम मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। 18 रुकनी स्क्वाड है, 17 रुकनी हमारी टीम मैनेजमेंट है। 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट जा रही है, 18 रुकनी स्क्वाड है, सिर्फ एक बंदे का बस फर्क डिफरेंस है, वो भी पूर्व कप कर दो और इक्वल कर दो ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी रखो सबके लिए, इक्वल 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 18-18 लेके जाओ ना यार, क्या 17-18 की तुम 17 की तुमने मैनेजमेंट बना ली है, 18 कर लो यार, कोई नहीं एक आध बंदा डाल दो किसी को पकड़ के, चला तू भी आ जा, तू ये टीम मैनेजमेंट में डाल दे, चल तू भी कर, 18 तो बंदे लेके जाओ, दुबई लगी हुई है सबकी जाएंगे। एनीवेज देखते हैं क्या बंदा, रिकी पोंटिंग ने तो भाई इंसल्ट की है, पाकिस्तान जो लास्ट ओवर पे आई थी कि पाकिस्तान की जो वर्स्ट टीम बॉलिंग थी इधर, वो तो और भी ज़्यादा वर्स्टिंग बॉलिंग में गलत है, इधर तो और भी ज़्यादा वर्स्टिंग बॉलिंग है, लेकिन नहीं इंशाल्लाह रिकी पोंटिंग साहब आपको मीरा अंदाज बताएगा कि बॉलिंग कैसे की जाती है। मीरा अंदाज बहुत ही अच्छा लड़का है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, PSL ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है, नो डाउट। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, हम पहले नंबर पे पॉइंट से पहले नंबर पे, हम 2 में से 2 मैच जीते, 100% हमारा विनिंग रिकॉर्ड है। लेकिन काइंडली इधर मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अच्छी सीरीज खेल के आएगा, लेकिन टफ सीरीज, बहुत ही ज़्यादा टफ सीरीज है, क्योंकि अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के अंदर, वो तो खतरनाक है, डेविड वॉर्नर की लास्ट सीरीज है ये, टेस्ट सीरीज से भी वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन भैया बेहतरीन परफॉर्म करना, इनिंग्स की रिपीट से बचना, हो सके एक आध मैच हरा भी देना, ना भी हरा भी देना, ड्रॉ तो उधर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पर्थ का ग्राउंड है, मेलबर्न है, फिर सिडनी है, बारिश हो जाए तो ड्रा हो सकता है टेस्ट मैच, अगर 4 दिन बारिश हो जाए या 3 दिन बारिश हो जाए मैच ड्रा हो जाएगा, लेकिन भाई ड्रा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छे फाइट बैक करना, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना, क्रिकेट खेलना, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूसर के देना, अवाम ताकि खुश हो जाए, अवाम आपको गालियाँ ना दे। उधर तो बाबर आजम साहब ने बिग बैश लिखा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ऑफर हुई थी $450,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, उन्होंने मुल्क को फोकस किया, ये अच्छी चीज़ है बाबर आजम साहब की, अच्छी लगी मुझे, मुल्क से मोहब्बत भी होनी चाहिए, ठीक है, जो पास में होना था आपने कर दिया, जो आपसे गलतियाँ हुई, जो आपसे हुआ, जो उससे मूव ऑन, उसे भूल के मूव ऑन करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव किताब खेलें। मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ 2 से 3 सेंचुरियाँ ज़रूर बनाएंगे आप, वो एक पाकिस्तान के नंबर वन प्लेयर हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि आप किसी के अंडर नहीं खेले, ना ही जमाम हुक, ना मोहम्मद यूसफ, ना सईद अनवर, इजाज़ अहमद, मिसबा उलक, यूनस, किसी के अंडर नहीं खेले, आप खुद से अपनी जगह बनाई आपने और आपने अपना अपना नाम बनाया। जैसे कोहली तो चलो टंडुलकर साथ भी खेला हुआ है, यानी कि बड़े प्लेयर के साथ खेला हुआ है कोहली, और बड़े जो प्लेयर स्टीव स्मिथ वगैरह, वो देखने कब से खेलते आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर के साथ वो खेले हुए, लेकिन आप नीचे से उठ के अपनी मेहनत की आपने, और आपने जगह बनाई टीम में, तो आपने परफॉर्म किया, आपने अपनी बैटिंग से अपने आप को मनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी के साथ बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। आज ऊपर चैंपियंस लीग की बात कर लेते हैं, चैंपियंस लीग का गेम वीक 5 स्टार्ट होने का आज स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच लेजियो सेल्टिक का चल रहा है, शर्टर डोनेस का मैच है, शर्टर डोनेस 1-0 से जीत रही है, लेजियो सेल्टिक का मैच 0 से बराबर जा रहा है। आज ये बाकी मैच है, एसी मिलान वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड है, एथलेटिको वर्सेस PSG वर्सेस न्यूकासल है, बार्सिलोना वर्सेस पोर्टो है, यंग बॉय मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आरपी लाइपज़िग है, यानी कि बहुत से अच्छे मैचेज हैं। इतना आज सुनने में आ रहा है कि रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स हैं वो मोस्टली 8 प्लेयर्स रेस्ट पे हैं, या उन्हें बेंच किया गया है या क्या किया गया है, वो तो पता लगेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच गलत तरीके से, ओए मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले बॉय, ओए जीत जाना, अगर चैंपियंस लीग में तुमने रहना है, अगर तुम ड्रॉ भी कर गए तो तुम चैंपियंस लीग से आउट हो, यूरोपा खेलने जाओ। भाई क्या यूरोपा, पता लगे अगला मैच कोपेनहेगन से भी हार जाओ तो आप यूरोपा से भी आउट हो जाओगे, ये अपने दिमाग में डालो। मैन्यू वालों, एरिटेंग हैंग मैन्यू फैन, जो एक जीत के बाद पूरा सोशल मीडिया भर देते हैं, फेसबुक भर देते हैं, इंस्टाग्राम भर देते हैं, ट्विटर भर देते हैं, दुआ करो आज जीत जाओ तुम गलत रास्ते से, तुम्हारे जीतना जरूरी है, ड्रॉ जरूरी नहीं है, जीतना जरूरी है, जीतोगे तो चैंपियंस लीग में रहोगे, वरना आप टूर्नामेंट से आउट हो जाओगे, यूरोपा, फिर आप यूरोपा के लिए दुआ करें, फिर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है ना भाइयों। हाँ जी, कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर अपने कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।